हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की खबरें हमारी सच साबित हुई और बिलखसूस जो इतिहादी थे वो भी हुकूमत से नला हैं एक पेट्रोल की वजह बना के। इसके अलावा क्या पाकिस्तान के अंदर आज भी मिनी मार्शल लॉ है और मिनी मार्शल लॉ से मार्शल लॉ की तरफ कैसे पेशकदमी हो रही है, यानी कि क्या पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लग सकता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा। जैसा कि इससे कबल आपको बताया था, ये बात ज़बान ज़दयाम हो चुकी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर न सिर्फ इख्तलाफात थे जो पोशीदा थे बल्कि अब खुल के सामने आ गए। पाकिस्तान की तारीख में और किसी भी हुकूमत के दौर को देखा जाए तो कभी ऐसे नहीं हुआ। इतिहादी तो उनका साथ देते हुए इख्तलाफ कर सकते हैं मगर एक ही पार्टी के अंदर से दो ग्रुप हों और अपनी ही हुकूमत के ऊपर वही पार्टी तनकीद कर रही हो, यानी कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म हैं इस वक्त और नून लीग के अंदर से ही जो है वो तनकीद हो रही है ट्वीट्स की शक्ल में। पेट्रोल महंगा किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और मरियम नवाज़ जो हैं वो तनकीद कर रही हैं अपने चचा के ऊपर, अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म के ऊपर और अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर। इस बात से ये बात भी साबित होती है कि मुस्लिम नवाज़ के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन दड़े हैं, यानी कि एक वो लॉबी है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की है, दूसरी वो लॉबी है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की है, तीसरी वो लॉबी है जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की है, उनके साथ वो पुराने लोग हैं जिनमें से मियां जावेद लतीफ़ और बाकी लोग। अब आप देखिए कि सियासत कितना बेरहम खेल है, कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी जो है वो अपनी ही पार्टी की हुकूमत के ऊपर, अपने ही वज़ीर आज़म के ऊपर, अपने ही चचा जो वज़ीर आज़म है उनके ऊपर तनकीद करे। क्यों? ये भी एक बयानिया है, ये भी एक सियासी गोरखधंधा है, यानी कि मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ नहीं चाहते थे हुकूमत बने, मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये नहीं चाहते कि पेट्रोल महंगा हो, ताहम शहबाज शरीफ सब जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं ये उनकी गलती है, यानी कि हमारी पार्टी को लोग बुरा भला ना कहें, ये भी एक सियासत की जा रही है। आसफ जदारी और मौलाना फजल और रहमान जिन्होंने ये हुकूमत बनाई वो खुद भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल से पूछो तो पहले बड़े भाषण दे रहे थे हुकूमत जो इमरान खान की है वो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आज जब वो खुद ये हरकत कर रहे हैं तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं वजीर खजाना होकर ये चीज़ नहीं कर रहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की परमिशन से ऐसा कर रहा हूँ। ये किस्सा सुनाने का मकसद कि आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। या तो आप कहें ना महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा मजबूरी है करना, या अपने गुनाहों को तस्लीम कर लिया जाए, मगर नहीं, एक ही घर के अंदर से तीन अफराद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ का मुख्तलिफ बयानियाँ है। एक शख्स बतौर वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, एक रायविंड में बैठी है मरियम नवाज साहिबा और तीसरे लंदन में बैठे हैं और तीनों का मुख्तलिफ बयानियाँ है। कोई भी किसी गलती को अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के अंदर मिनी मार्शल लॉ है। मैं शुरू से कहता हूँ कि एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मिलिट्री डेमोक्रेसी है। क्यों? ये सियासतदान, ये मीडिया, ये अदलिया आज़ाद नहीं है। अब तारीख शायद है कि जब से पाकिस्तान बना 75 साल हो गए, हमने सालगिरह भी मना ली, 75 सालों में निसब से ज़ायद अरसा जमहूरी दौर नहीं रहा, मार्शल लॉ रहा, जिसमें 11 साल एक हैं, 9 साल एक हैं, 10 साल एक हैं, अयूब खान से काम शुरू हुआ था और मुशर्रफ तक वो चीज़ें आन पहुँची और ये पहली बार हम तीसरा जमहूरी दौर देख रहे हैं और ख्वाहिश थी कि 5-6 जमहूरी दौर जो हैं वो जमहूरी तरीके से आगे बढ़ें तो इस मुल्क की काया पलट जाएगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर मिनी मार्शल लॉ है, कोई भी आज़ाद नहीं है। और फिर इस मिनी मार्शल लॉ से आगे मार्शल लॉ का सफ़र कैसे बढ़ेगा? क्या आपने कभी बागौर जायज़ा लिया इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ सियासतदान ही चोर क्यों हैं, सिर्फ यही करप्ट क्यों हैं? जब हुकूमतें जमहूरी आती हैं तो तब भी यही सियासतदान, जब मार्शल लॉ आता है तो तब भी यही सियासतदान उन्हीं के साथ होते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस बात को साबित किया गया है कि यहाँ पर ना ही कोई पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत चल सकता है, ना कोई सदारती निज़ाम चल सकता है, वो सदर चल सकता है जो फौज के अंडर आए और मार्शल लॉ लग जाए तो वो दौर अच्छा रहेगा। हाँ, अशिया की कीमतों के हवाले से बाकी चीज़ों से देखा जाए तो मार्शल लॉ के दौर अच्छे रहे, उसमें आवाम को रिलीफ मिलता रहा। मैं जब से बरतानिया नहीं आया था आप हैरान होंगे कि मैं खुद जमहूरियत नहीं मार्शल लॉ का हामी हुआ करता था। इस मुल्क में आगे पता चला कि नहीं, जमहूरियत जो है इससे अच्छी चीज कोई नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि बदतरीन
जमहूरियत जो है वो बेहतरीन अमरीत से बेहतर है। तो लिहाजा हमारी सोच बदली, इरादे बदले और हम भी जमहूरियत के पासबान बन गए। मगर कहा यह जा रहा है कि जब सियासतदान नाकाम साबित हो गए, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये तकसीम हुए हुए हैं, ये एक दूसरे पे शक करते हैं, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, तो इस बात की तरफ भी ये इशारे हो रहे हैं कि अब जो मिनी मार्शल लॉ का दौर है ये मार्शल लॉ के दौर में भी बदल सकता है। भले आपने जितनी मर्जी पार्लियामेंट के अंदर और आइन के अंदर तब्दीलियाँ की हों, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये खदशा मौजूद है कि वहाँ पर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट यानी कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लग सकता है? उसके अलावा इमरान खान को खामोश करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्रैक डाउन शुरू है, कौन डाउन भी शुरू हो चुका। यही वजह थी कि खान साहब की तकरीर के अंदर लचकाई, कहा अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं मगर बराबरी की बुनियाद के ऊपर चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि खान साहब मानते हैं या नहीं मानते, ये हुकूमत किस तरफ जाती है, आसिफ जरदारी आगे चल के क्या करते हैं। बाप पार्टी MQM खदशात जाहिर कर चुके हैं, क्या वो इस हुकूमत के साथ चलेंगे, कौन सा नया खिलवाड़ पैदा होगा, इस मौजू के ऊपर अगले एपिसोड में आपसे बात की जाएगी। मगर आपकी तरफ से फीडबैक जरूर चाहिए कि क्या आपको मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता हुआ दिखाई देता है, आप क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के पेश नजर। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।